हेलो सेवंथ स्टैंडर्ड हाउ आर यू ऑल वी कंटिन्यू आवर चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट वी हैव बीन स्टडीड अबाउट हाउ द डिजास्टर इज हैपन ओके वी ऑलरेडी सीन अबाउट फमैन नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद क्लाउड ब्रस्ट वॉट इज क्लाउड ब्रस्ट बहुत सारा रेनफॉल एक ही वक्त होता है एक ही टाइम में होता है तो हम उसे बोलते हैं क्लाउड ब्रेस्ट समटाइम्स सम वाटर कमिंग डाउन फ्रॉम द रेन क्लाउड डज नॉट रीच द लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेन इंस्टेट ड्यू टू अ वेरी हाई टेम्परेचर नियर लैंड इट वेपराइज एंड गोज बैक इन टू सेम क्लाउड लिसन इट्स रेनिंग बट दैट रेन इज नॉट गोइंग टू टच लैंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर इट्स वेपराइज इन द मिडल ओनली एंड इट्स गो बैक टू दैट क्लाउड अगेन एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ वेपर इन दोज क्लाउड्स बिकम वेरी हाई ड्यू टू रैपिड कंडन इट्स रेन सडनली ओवर अ स्पेसिफिक और स्मॉल रिजन एट अ रेट ऑफ हंड्रेड ई एम एम पर आवर और मोर तो एक घंटे में हंड्रेड एम एम से भी ज़्यादा रेनिंग होती है तो हम उसे बोलते हैं क्लाउड ब्रस्ट ओके दिस इज नोन एज क्लाउड ब्रस्ट नाउ यर नेक्स्ट वन इज फ्लड व्हाट इज़ मीन बाय फ्लड व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट ऑफ फ्लड सबको पता है केदारनाथ में जो फ्लड आया था अचानक से उसमें कितने लोग बह गए ये तो सबको पता है अभी हाल में ही पूना में आया था मीन्स ऑल ओवर द इंडिया फ्लडिंग हो ही रहा है है ना तो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं मॉनसून में hmm? वही है ऑलरेडी लर्न अबाउट फ्लड एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लड द कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्लड्स हैट वेरियस प्लेसेस इन महाराष्ट्र लास्ट फ्यू ईयर्स लास्ट फ्यू ईयर में कितने फ्लड हुए हैं यह आप उसकी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो तो आपको इसे कंक्लूजन uh, मिलेगा कि फ्लड में क्या क्या हो सकता है और हमें क्या नहीं करना चाहिए राइट सो यर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश द नेशनल फ्लड कमीशन इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स

प्रॉपर्टीज एज वेल एज लाइफ ड्यू टू दिस काइंड ऑफ प्लान गॉट इट सो प्रोटेक्टिव मेजर्स इन व्यू ऑफ फ्लड्स क्या करना चाहिए कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम इन माउंटेन रीजन डैम होने चाहिए माउंटेन रीजन में कंस्ट्रक्शन ऑफ परकुलेशन टैंक्स परकुलेशन टैंक्स होने चाहिए मेकिंग रिवर बेड्स फ्लैट रिवर बेड के से फ्लैट होने चाहिए कल्टिवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट ये तो है ना हम कितने सारे फॉरेस्ट कटिंग चल रहा है तो हमको प्लांटेशन की ज़रूरत है प्लांटेशन करना चाहिए मीन्स वॉट कल्टिवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट देन कनेक्टिंग रिवर्स अगर एक ये एक दूसरे को रिवर को अगर कनेक्ट भी कर दिया तो भी प्रॉब्लम सॉल्व है राइट क्योंकि जहाँ बाढ़ आती है या ज़्यादा जा, पानी है वो उस रीजन में जाए जहाँ पे कम पानी है है ना तो ऐसा हो सकता है ना तो इसकी वजह से फ्लड का प्रॉब्लम टोटल ही सॉल्व हो जाएगा बाबा साहेब अब अम्बेडकर का प्रोजेक्ट था तब उन्होंने बोला था कनेक्ट अगर वो कनेक्ट ऑल रिवर्स देन देर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ फ्लड इज़ ऑकर इन फ्यूचर लेकिन अभी तक हुआ नहीं है होना चाहिए ना। राइट नेक्स्ट वन इज़ लाइटनिंग वो हैव सीन फ्लैश लाइटनिंग इन द स्काई वेन वॉट कॉज ऑफ लाइटनिंग होता है ना कभी कभी आप देखते हो ना पहले आवाज़ आता है या प्रकाश आता है ये लाइट आता है क्या होता है पहले लाइट आता है ना उसके बाद में आवाज आता है यू हैव लर्न अबाउट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम द लाइटिंग स्ट्राइक इन द लेसन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन दिस लेसन वी शैल लर्न समथिंग मोर अबाउट लाइटनिंग एंड मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इट तो लाइटनिंग कैसी होती है और उसे प्रोटेक्शन कैसे करना है अभी हम देखेंगे द वर्ड्स मोरटलिटी रेट ड्यू टू लाइटनिंग इज लो लाइटनिंग का मोर्टलिटी रेट लो है नॉट ऑल लाइटनिंग स्ट्राइक द ग्राउंड जो लाइटनिंग होती है पूरे के पूरे स्ट्राइक नहीं होती है नीचे इनफैक्ट अबाउट नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ लाइटनिंग फ्लैश आर लिमिटेड टू द स्काई अगर हम देखेंगे तो फाइव परसेंट ही हम देख सकते हैं है जान पाते हैं और नाइन्टी फाइव परसेंट वो तो कंटिन्यूसली स्काई में होता ही रहता है उसको तो हमें कोई जानकारी भी नहीं मिलती है ओनली फाइव परसेंट ऑफ लाइटनिंग रिचेज द ग्राउंड लाइटनिंग कैन बी जनरेटेड विद इन वन क्लाउड बिटवीन विद इन वन क्लाउड बिटवीन टू क्लाउड्स और बिटवीन अ क्लाउड एंड द ग्राउंड अबाउट फोर्टी लाइटनिंग फ्लैश ऑकर पर सेकेंड इन अट एटमोस्पियर The temperature generated by lightning is higher than that of the sun. Due to this high temperature, the air under high pressure expands suddenly and a loud crushing sound is heard. Right? जब lightning होती है तो हमको sound आता है ना जोरदार sound आ जाता है, right? और flash भी होता है. तो हमको mortality इससे कम है. मीन बिजली गिरने से मरने वाले लोग बहुत कम है. ऐसा हमेशा नहीं होता है लेकिन अगर हमको बचना चाहिए तो क्या करना चाहिए यहाँ पे कुछ मेजर्स दिए हैं वो हमको पालने चाहिए वट प्रिकॉशंस विल यू टेक ड्यूरिंग द थंडर स्ट्रॉप फर्स्ट वन डू नॉट स्टैंड ऑन अ ओपन ग्राउंड और अ बिलो ट्री राइट डो नॉट गो टू हाई लोकेशन और क्लाइम द ट्री डो नॉट स्टैंड नियर एन इलेक्ट्रिक पोलर टेलीफोन पोलर और टावर डो नाट लीन और ऑन वायर्ड फेंसेस अराउंड अ फार्म अ कंपाउंड अ गार्डन और अ हाउस जो फिजिस होती है ना उसको भी टच नहीं करना चाहिए आपको इफ़ यू आर ऑन ए टू व्हीलर बाइसिकल ट्रैक्टर और ए बोट गेट ऑफ इमिजिएटली एंड गो टू अ सेफ प्लेस उसे छोड़ के एक अच्छे सेफ प्लेस पर आपको जाना चाहिए डू नॉट गैदर ऑल टूगेदर इन वन प्लेस सब एक ही जगह इकट्ठा नहीं होना है टेक केयर टू कीप डिस्टेंस ऑफ फिफ्टीन फिट बिटवीन एनी टू पर्सन दो पर्सन में कम से कम पंद्रह फिट का अंतर तो होना ही चाहिए डो नॉट यूज़ प्लग इन इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज डो नॉट यूज़ ए मोबाइल फ़ोन ये भी होता है ना मोबाइल फ़ोन भी यूज नहीं करना है और कोई अप्लायसेज इलेक्ट्रिक प्लग करके चलाना भी नहीं है स्टैंड ऑन ड्राई वुड और प्लास्टिक शीट सैक जूट क्लॉथ और ड्राई लिवज इस पर हमको खड़ा रहना है कीपिंग योर फिट टुगेदर सपोर्ट योर सेल्फ ऑन द सोल ऑफ योर फिट प्लेसिंग योर हैंड ऑन योर नीज एंड क्रंच क्रोच लो स्विमर्स और फिशरमैन शुड इमिजिएटली कमिट आउट ऑफ द वॉटर जो फिशरमैन गए अंदर फिश पकड़ने के लिए उन्होंने जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहिए ए पक्का हाउस इज़ द सेफेस्ट प्लेस पक्का हाउस जो होता है ना वो सबसे सेफ प्लेस होता है फाइंड आउट इफ यू इफ देर इज अ लाइटनिंग कंडक्टर ओनली टॉल बिल्डिंग नियर योर हाउस इफ नेसेसरी गेट अ लाइटनिंग कंडक्टर फिटेड ऑन यूर हाउस नेसेसरी है तो अपने घर में के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर फिट करो तो उसमें अगर लाइट स्ट्राइक करेगा तो सीधा अर्थिंग की वजह से नीचे जाएगा राइट right? तो ये सेफ्टी मेजर्स है ये आपको हमेशा ही याद रखने हैं नेक्स्ट वन इज वॉल्केनो वॉल्केनो इज अ नेचुरल डिजास्टर अ वॉलकैनो इज अ नेचुरल इवेंट और फिनमिन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कंटिन्यूसली ऑकर

चेंजेस हो जाते हैं उलट पुलट हो जाती है मोमेंट हो जाते है जिसकी वजह से जो अंदर का लावा है वो बाहर आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं वॉलैनो इफेक्ट्स द केमिकल सब्सटेंस सच एज लावा वेपर हॉट मर्ड सल्फर गेट कलेक्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड देयर बाय माउंटेंस एंड हिल्स आर क्रिएटेड ये बाहर आ जाते हैं तो उसकी वजह से माउंटेन हिल्स uh, बन जाते हैं द एटमोसफेयर गेट पोल्यूटेड ड्यू टू द एश एंड गैसेज इजेक्टेड बाय द वॉलकैनो ऑफन इट्स रेन एज अ रिजल्ट ऑफ वॉल्केकेनिक इरप्शन टेम्परेचर राइजेज ड्यू टू हॉट गैसेज फॉरेस्ट एंड सेटलमेंट गेट ब्यूरिड अंडर द हॉट मॉड ये भी हो सकता है इससे जीवित हानि हो सकती है और जाल माल का नुकसान भी हो सकता है वॉलैन इरप्ट इज इन एस सी एज दे डू ऑन लैंड सम्यूरिंग द इप्शन ऑफ वॉल्केनो ऑन द लैंड आर रिजेक्टेड ड्यूरिंग द इप्शन ऑफ द वॉलैनो इन द सी सी में भी वॉल्केनो हमेशा बाहर आते रहते होते रहते सम आइसलैंड आर क्रिएटेड ड्यू टू इरप्शन वॉलकुल इन द सी आइसलैंड भी हो सकते हैं फॉर्म होते हैं अगर वॉल्केकैनो इरप्शन कहा हो गया सी के अंदर हो गया है तो गट इट सो नेक्स्ट वन इज सुनामी प्रिवेंशन आपको लेना है कंट्रोल इट बट मीन्स बाय मीन्स साइंस टेक्नोलॉजी इज पॉसिबल टू प्रिडक्ट एंड इरप्शन हम तो इरप्शन को बंद नहीं कर सकते लेकिन प्रिकॉशन के तहत क्या कर सकते हैं इरप्शन कब होने वाला है ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं तो इट्स ए इमीडिएट स्टेप फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट वट इट सो सुनामी नेक्स्ट वन इज सुनामी वॉट इज अर्थवेक दैट यू नो वॉट विल हैपन इफ अर्थवेक एंड वॉलकोन शॉकर एट द बॉटम ऑफ द सी क्या होने वाला है अगर वॉलकैन हो अर्थवेक बॉटम की सी में होने वाला है तो ऊपर की लहरें जोर से उठेगी और जोर से उठेगी तो उस लहरों को क्या बोलते हैं सुनामी एज एन ऑन लैंड अर्थवेक एंड वॉलकैन ऑकर एट द बॉटम ऑफ द सी टू इफ एन अर्थवेक ऑकर्स एट द बॉटम ऑफ द ओशन द एनर्जी रिलीज पुश्ड वाटर अपवर्ड एज ए रिजल्ट दिस पिकुलर टाइप ऑफ वेव्स आर फॉर्म ये सबसे बड़ी बड़ी वेव्स फॉर्म होती है दिस वेव्स आर नॉट वेरी हाई नियर द सोर्स बट दे आर स्टार्ट स्प्रेडिंग वेरी फास्ट अलोंग द डिस्टेंस जहाँ पे सोर्स है वहाँ पे वो बहुत लंबी नहीं होती है बड़ी नहीं होती है लेकिन जब हाँ जब जहाँ से उसका सोर्स है वो अगर उससे दूर जाती है तब वो बड़ी बड़ी हो जाती है द वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटीज कितनी होती है एट हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड किलोमीटर पर आवर मीन्स एट हंड्रेड और नाइन हंड्रेड पर किलो आवर के हिसाब से किलोमीटर के आवर से आ जाए तो वो रे सब का सब बहा ही लेके जाएगी ना राइट वेन दे रीच अ कोस्टल एरिया देर वेलासिटी इज रिड्यूज जब कोस्टल एरिया पे जाते हैं तो वेलासिटी कम हो जाती है थोड़ी सी देर वेलासिटी इज रूज बट देयर हाइट इज फाउंड टू हैव इंक्रीज ट्रेमेंडसली लेकिन उनकी हाइट बहुत ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो जाती है इवन टू अबाउट थर्टी मीटर्स थर्टी मीटर्स लंबी वेव हो जाती है तो वो कितना कुछ लिखी जाएगी समा के सच अ वेव जनरेटेड बाय द अर्थवेक और वॉल्योनियम ऑकरिंग ऑन अ वोशियन फ्लोर इज कॉल्ड सुनामी सुनामी इज ए जापानीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव जापानीज वर्ड है उसका मतलब होता है हार्बर वेव द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ सुनामी सुनामी के डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स क्या है यहाँ पे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन आर डिस्ट्रॉयड देर इज अ लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ फाइनेंशियल लॉस बोट्स एंड शिप्स नियर द कॉस्ट गेट डैमेज ट्रीज गेट अप्रूटेड लैंड स्लाइड्स टेक ऑन द लार्ज स्केल ट्रैफिक ऑबस्ट्रक्शन बिजनेस इंडस्ट्री रिलेटेड सी एडवर्सली अफेक्टेड तो ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन अराइज लास्ट के डैमेज इज कॉज टू हार्बर्स चेंज टेक प्लेस इन द ओरिजिनल लैंड नीयर द कोस्ट गिविंग राइज टू स्वैम्स ये भी हो सकता है तो सुनामी से हम ये तो नेचुरल डिजास्टर है ये इसका भी हम प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं यही सबसे बड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट का फर्स्ट है इसमें और कुछ नहीं है देन स्ट्राम्स गिव राइस टू अट्राम वॉट आर देयर इफेक्ट वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फॉर्मेशन ऑफ स्ट्राम एंड देर इफेक्ट्स ये तो हमने पढ़ा है कैसे स्ट्राम फॉर्म होता है सपोज यू आर कॉट इन अ स्ट्राम वॉट विल यू डू गिव योर सेल्फ सेफ तो यहाँ पर भी आपको सेफ डिस्टेंस सेफ जगह जाना चाहिए तब यहाँ स्ट्राम से पढ़ सकते हैं थर्टीन अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन तो सेलिब्रेट किया जाता है थर्टीन अक्टूबर एज अ इंटरनेशनल डे फॉर रिडक्शन जस्ट अ रिडक्शन तो जब रेगुलरली कट डाउन द ट्रीज एंड ब्रांचेज दे आर लाइकली फॉल टू कॉज डैमेज अगर है तो उसको काटना चाहिए इफ़ यू आर आउटसाइड टेक शेल्टर इन अ सेफ प्लेस मेक टेलीफोन कॉल्स एंड वॉन योर रिलेटिव योर फ्रेंड्स फॉर प्रोबेबल डेंजर टेल देम गो टू सेफ और प्लेस गिव टेम्पररी शेल्टर टू पीपल फॉर ऑल अवे फ्रॉम देयर होम्स ओके If you are outside, take shelter in a safe place, inform your friends and uh, take a, a safe distance from electric supply and all. Turn off all electric kind of supply of your home. So, these are the points you should be remember always to protect yourself and your loved ones from these all effects. Got it? So, this uh, chapter is over and your homework is what? Complete this exercise. Got it? And send me on my WhatsApp number. Till then, goodbye.